नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। धान की फसल आ गई तो अब किसान को धान के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक और जहां दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों का ये कहना है कि सरकार उनसे छलावा कर रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि उन्हें MSP पर ही दाम मिलेंगे। लेकिन असल बात अभी भी देखने को मिल रही है कि किसान किस कदर परेशान है। मामला सतना जिले के उचेहरा का है। पूरे मध्य प्रदेश में धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं, लेकिन हफ्तों किसान लाइन लगाकर खड़ा रहता है। आलम यह है कि उसकी धान तौल ही नहीं पा रही, लिहाजा मजबूरन उसे जेब ढीली करनी पड़ रही है और समिति प्रबंधक के गुर्गों को कमीशन देकर अपनी धान तौलवानी पड़ रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर इससे भी आश्चर्यजनक बात यह हुई कि तौल होने के बाद धान अंकुरित हो गई और किसान के खाते में ही नहीं चढ़ी, लिहाजा किसान माथा पीट कर रह गया। यह आलम सतना जिले के उचेहरा तहसील के करही कला खरीदी केंद्र का है, जहां पर किसान ने धान बेचा और समिति प्रबंधक ने तौल कर बोरा भी सिल दिया और उसके बाद अचानक बरसात हो गई और 3 दिन बाद धान अंकुरित हो गया, लिहाजा अब समिति प्रबंधक धान लेने को तैयार नहीं और कंप्यूटर से उसका नाम भी उड़ा दिया। ऐसे में किसान अब न्याय की गुहार लगा रहा है। किसान स्वेच्छा से जो ढुलाई जो तौलाई होती है वो अपने से देते हैं, कोई इसमें रेट इनने जो फिक्स कर रखा उसके हिसाब से नहीं देते हैं। और तौलाई में चूँकि बारदाना नहीं है, अभी बारदाना आ रहे हैं तो अभी इनमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बोला गया कि जो किसान स्वयं बोरी ले आते हैं उनको तौल के रखवाएंगे और निर्धारित समय में पूरी खरीदी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, जैसी शिकायतें ये भी यहाँ आ रही हैं कि सड़े हुए बारदाने भेजे जा रहे हैं। अब बारदाने वहाँ से आए हैं जिला स्तर से, जी हाँ, तो जो काम लाएंगे उन्हीं का उपयोग किया जाएगा, शेष तो फिर से उन्हीं तरह वापस हो जाएंगे, जो मतलब काम यूज लायक नहीं है तो उनको वापस कर देंगे। शेष जो कार्रवाई होगी हमारे तहसील SDM साहब आएंगे कल, तो उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो खरीदी केंद्र में बारदाना की सबसे बड़ी कमी, एक तो लेट खरीदी केंद्र शुरू हुआ, इसके बावजूद भी एक दो दिन चली खरीदी है, इसके बाद बारदाना चुक गया। सर, जैसे समिति प्रबंधक जी के द्वारा बोला जाए कि यहाँ बारदाने बहुत सही आ रहे हैं, कल हम लोगों ने चेक किया यहाँ पे तो काफी बारदाने फटे हुए थे। पूरे बारदाने आधे 50% फटे आते हैं, 50% सही रहते हैं। हाँ, लेकिन प्रबंधक जी तो कल बचाव कर रहे थे, जहाँ से भी जिनके भी बारदाने आ रहे हैं हम नहीं जानते, तो पड़े हैं ना फटे, इधर देख लिया जाए।